हेलो फ्रेंड्स, अगेन वेलकम टू माय चैनल। एंड आज के वीडियो में हम कॉन्सेप्ट्स एंड जो प्रिंसिपल हैं इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट के, और ये क्वेश्चन जो है ऑप्शनल, जो मेंस एग्रीकल्चर ऑप्शनल का जो पेपर था मेंस का, उसमें आया क्वेश्चन है। सो मैं ट्राई करूँगी कि मैं आपका सिलेबस कंप्लीट कराने के साथ साथ, मैं सिलेबस तो कंप्लीट कराऊँगी, बट ये ज़रूरी है कि आप क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करिए प्रीवियस ईयर का। सो मैं ये ट्राई करूँगी कि मैं, मुझसे जो क्वेश्चन सॉल्व होंगे, मैं आपको उसके मैटर जो मुझे अच्छे से मिलेंगे मैं प्रोवाइड कराऊँगी। सो ये क्वेश्चन आया था इसलिए मैंने सिलेबस का ये टॉपिक उठाया, नहीं तो मैंने, मतलब मैं इससे पहले बता चुकी हूँ कि अब मैं लाइन से ही जो सिलेबस है स्टेप बाय स्टेप उसके वीडियोस बनाऊंगी। बट मैंने आज ये क्वेश्चन पेपर देखा और मुझे ये क्वेश्चन लगा कि बताने लायक है, और इसके मैटर मेरे पास अवेलेबल थे, तो मैं इस, मतलब मैटर पे वीडियो बना रही हूँ। मे बी आपके लिए यूज़फुल होगा, ठीक है। और इसके अलावा जो मेरे वीडियोस आएंगे वो आप लोगों ने बोला है कि स्टेप वाइज बनाइए, तो स्टेप वाइज ही आएंगे। मैं बीच बीच से ऐसे नहीं बनाऊंगी क्योंकि जो बिगनर्स हैं उनको फिर प्रॉब्लम हो जाती है इसमें। तो हम स्टार्ट करते हैं वीडियो। सो फर्स्ट थिंग है, जो कॉन्सेप्ट क्या है उसका पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं। सो जो इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट है, इट इज़ अ प्रैक्टिस वेयर ऑल द सोर्सेज ऑफ न्यूट्रिएंट जो है न्यूट्रिएंट्स, नेमली क्या क्या है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, जिसको इनऑर्गेनिक को हम बोलेंगे केमिकल फर्टिलाइजर, और इसके अलावा होते हैं बायो फर्टिलाइजर, एंड देन कैन बी कंबाइंड एंड अप्लाइड टू सॉइल सो दैट द क्रॉप ग्रोथ इनहेंस्ड एंड वी कैन गेट गुड यील्ड विद क्वालिटी प्रोडक्ट। मतलब इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट वो सभी प्रैक्टिसेस इन्वॉल्व करता है जिसमें हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर मीन्स केमिकल फर्टिलाइजर, और जो बायो फर्टिलाइजर रहते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये सबका जब इंक्लूडेड फॉर्म में यूज़ करते हैं जिससे क्या होता है, क्रॉप इन्हेंस, क्रॉप की ग्रोथ इन्हेंच होती है, और प्रोडक्शन जो रहता है किसी भी क्रॉप का ये मतलब बढ़ता है, यील्ड की क्वालिटी बढ़ती है, ठीक है। सो ये जो होगा होल प्रोसेस क्या कहलाएगा, इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट कहलाएगा, ठीक। तो मैं यहाँ पे जो मुझे लगता है कि समझाने वाली चीज़ें हैं वो मैं आपको डिस्क्राइब कर दूँगी ताकि वीडियो बहुत लंबा मत बने और आपको जो नीडेड चीज़ें हैं, स्पेसिफिक चीज़ें हैं वही मिले, ठीक है। सो ये डेफिनेशन यूज़फुल है आपके लिए। देन बिसाइड्स क्या होता है, कभी कभी इट कीप द सॉइल हेल्थी कंडीशन, क्योंकि न्यूट्रन अप्लाई करेंगे वो भी ऑर्गेनिक फॉर्म में भी, इनऑर्गेनिक में, बायोफर्टिलाइजर के रूप में, तो सॉइल ऑब्वियस ही बात है कि बहुत हेल्थी रहेगी। इन क्या होता है, इन द इंटीग्रेटेड न्यूट्रन मैनेजमेंट इट इंटीग्रेट कंबाइन द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोडक्शन विथ इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट। This is the optimum crop nutrition, optimum functioning of the soil health and minimum nutrient losses and other adverse effect on the environment. So, question paper में जो question आया था वो इस type का था कुछ की define कर कीजिए integrated nutrient management को किसके comparison में, new जो world है, मतलब अभी जो recent world है उसके comparison में, ठीक है, उसका क्या role है, हो सकता है जो INM का। So, यही है कि इसका basically अगर आप लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं कि बेसिकली क्या है ये, सॉइल की हेल्थ, सॉइल को हेल्थी बनाकर रखेगा, और इसमें ही बेसिकली इंक्लूड वो प्रैक्टिसेस इंक्लूड करते हैं हम, जो कि क्या क्या ऑब्जेक्टिव रहता है उसका, जो जितने भी प्रैक्टिसेस हमने कॉम्बिनेशंस में लिया है उसका बेसिकली एक ही ऑब्जेक्टिव है कि जो प्रोडक्शन है उसको हम बैलेंस करें, या उस मतलब एक प्रॉपर बैलेंस रिलेशनशिप रहे इकोलॉजी या फिर एनवायरमेंटल जो फैक्टर्स हैं और हमारे प्रोडक्शन के बीच। एनवायरमेंटल फैक्टर्स जैसे कि हम जो भी हैं, सॉइल की फर्टिलिटी हो सकती है, ठीक है, और इसके अलावा जो मतलब सॉइल हेल्थ है, एंड जो सॉइल में हमारे पास अवेलेबल जो न्यूट्रिएंट है उसका हम ऐसे नहीं कि अंधाधुन उसका लॉस कर रहे, उसका मिनिमम यूज़ करें हम, और बहुत ही इफ़िशियंसी के साथ उसका यूज़ करें, और फंक्शनिंग जो है वो भी ऑप्टिमम फंक्शनिंग, मतलब सॉइल हेल्थ का ऑप्टिमम क्या फंक्शनिंग करें, एंड क्या क्रॉप ग्रोथ, जो क्रॉप न्यूट्रिशन है वो भी ऑप्टिमम हम यूटिलाइज करें, ठीक है, जिसका क्या कोई एडवर्स इफेक्ट जो हो हमारे एनवायरमेंटल पे ना पड़े। तो ये जो ऑब्जेक्टिव के साथ हम जो INM का कोई भी कॉन्सेप्ट है वो रखते हैं, ठीक। जिस तो अगर आपको लिखना है तो आप इस तरह से लिख सकते हैं।
देन इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट जो रहता हैज़ टू बी कंसिडरेटेड एज इंटीग्रल पार्ट ऑफ एनी सस्टेनेबल एग्रीकल्चर सिस्टम। ऑब्वियस सी बात है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर मतलब क्या होता है कि हम टिकाऊ खेती करना चाहते हैं, मीन्स उसे हम प्रोडक्शन तो ज़्यादा लाना चाहते हैं, बट उसके लिए एक शर्त है कि हम हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज का बहुत ही इफ़िशेंसी के साथ यूज करेंगे, उनको मतलब क्या बोल सकते हैं कि उनका लॉस नहीं करेंगे, बहुत ही मिनिमम यूटिलाइजेशन करेंगे, ठीक है, और सब सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन करते हुए हम यील्ड भी लेंगे। सो इंटीग्रेटेड जो जो INM है वो इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट इंटीग्रल पार्ट हो जाता है, किसका, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का। सो ये हमारा इंट्रोडक्शन पॉइंट हो गया। तो मुझे लगा कि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, अगर आप INM के बारे में लिख रहे हैं तो आपको इतनी चीज़ें जाननी ज़रूरी है, तो आपके क्वेश्चंस इफेक्टिव हो सकेंगे। देन जो कॉन्सेप्ट्स हैं INM के, मीन्स इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट के, इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है हम यहाँ पे ये देख लेते हैं कि इंडिया में क्या होता है कि इट इज़ ए प्रीडोमिनेंटली एन एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री, यू ऑल नो, एंड मोर देन 2/3 ऑफ देयर पॉपुलेशन डिपेंड ऑन द एग्रीकल्चर फॉर देयर लाइवलीहुड। एंड देन इंडिया विथ जियोग्राफिकल एरिया, याद रखिएगा इसमें एक आंसर आपको मिल गया कि इंडिया का जियोग्राफिकल एरिया जो रहता है वो 329 मिलियन हेक्टेयर है। प्रेजेंटली इसमें क्या है कि प्रेजेंटली क्या सपोर्ट्स कर रहा है 17% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन ऑन नियरली 2.5% वर्ल्ड लैंड एरिया एंड 4 वर्ल्ड फ्रेश वाटर रिसोर्सेज। सो ये कुछ डाटा है आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सो इंडिया में मेड अ स्पेक्टुलर अचीवमेंट इन अटेनिंग द सेल्फ सफिशियंसी इन फूड प्रोडक्शन बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ हाई यील्डिंग ड्रॉप इन जो फर्टिलाइजर्स रिस्पॉन्सिव वेराइटी सीरियल्स, कब, जैसे कि वीट एंड राइस मिड 1960, जिसे कि ग्रीन रेवोल्यूशन नाम दिया गया। इसको समझाने वाली चीज़ नहीं है, मतलब इंडिया ने जो फूड ग्रेन का इतना प्रोडक्शन किया कि उन्होंने सेल्फ सफिशियंसी लाई प्रोडक्शन में, ठीक है, उस किस प्रकार से लाया सेल्फ सफिशियंसी, क्या इंट्रोडक्शन किया उन्होंने, न्यू जीन इंसर्ट कराया, सो डार्विन नेचर प्लांट में लाया, तो डार्विन नेचर जब प्लांट में आया तो यील्ड ज़्यादा मिले और क्रॉप के जो अदर एनवायरमेंटल कंडीशन से लॉसेस जो हो रहे थे वो कंट्रोल किया। सो इस तरह उन्होंने अपने आप को सफिशियंट बनाया किसमें, फूड प्रोडक्शन में। सो ये चीज़ें हैं बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स हैं। इसके अलावा और जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो ये हैं कि विद द यूज ऑफ इम्प्रूव्ड वैरायटी कॉपल्ड विद इंक्रीज फर्टिलाइजर एंड एग्रोकेमिकल यूज प्राइस सपोर्ट एंड अदर पॉलिसी इनिशिएटिव द फूड ग्रेन प्रोडक्शन इंक्रीज्ड, याद रखिए कितना हुआ था, फ्रॉम 50.8 मीट्रिक टन से इन 1951 में इतना था, जो कि 213.18 मीट्रिक टन जो है इंक्रीज हुआ 2003-04 तक, ठीक। सो केमिकल फर्टिलाइजर क्या कर रहा है, इनहेंच किया यील्ड को एंड बूस्टिंग द राइस ग्रेन प्रोडक्शन, ठीक। एंड डिस्पाइट द इम्प्रेसिव अचीवमेंट इन द फूड ग्रेन प्रोडक्शन द पर यूनिट प्रोडक्टिविटी ऑफ मोस्ट ऑफ द क्रॉप इज स्टिल वेरी लो एज कम्पेयर टू द अदर कंट्रीज, ठीक है। मतलब इन्होंने ये चीज़ बोल रहा है कि इम्प्रेसिव अचीवमेंट तो था फूड ग्रेन प्रोडक्शन में पर यूनिट, मतलब एरिया पर जो प्रोडक्टिविटी है, मींस बोला ये जा रहा है यहाँ पर, अगर आप सिंपल वे में जान समझेंगे कि हमने अचीवमेंट्स तो लाए, मतलब फूड ग्रेन प्रोडक्शन में हमने सेल्फ सफिशियंसी लाई बाय द मतलब इंट्रोडक्शन ऑफ इम्प्रूव्ड वेराइटी, बट जो प्रोडक्टिविटी है, मीन्स उसे पर एकड़ जो है प्रोडक्शन जो भी हो रहा है उस पर हमने प्रोडक्टिविटी में अभी भी हम क्या हैं, अदर कंट्रीज की कंपेरिजन में वेरी मतलब लो प्रोडक्टिविटी ला रहे हैं। प्रोडक्शन अलग चीज़ होती है, प्रोडक्टिविटी अलग चीज़ होती है, तो आप ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे प्रोडक्टिविटी में हम अभी भी दूसरे कंट्रीज़ की अपेक्षा में लो प्रोडक्शन मतलब लो है या फिर कम है, ठीक, ये चीज़। सो इसके अलावा कुछ जो इम्पोर्टेंट हैं, इसके अलावा है कि इन द अर्ली 1990 हाउ एवर फर्टिलाइजर बिकेम द टारगेट ऑफ क्रिटिकिज्म मेनली बिकॉज ऑफ हैवी यूज ऑफ द डेवलप्ड कंट्री वेयर इट इज़ अ सस्पेक्टेड of having an adverse effect on the environmental through nitrate leaching या फिर eutrophication, ग्रीन हाउस गैस emission and heavy metal uptake by the plants. Then क्या हुआ, then you can see the जो इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट का जो एक पूरा होल साइकिल है वो आप यहाँ पे देखिए।
देखिए, सबसे पहले क्या है, जो हमने इंडस्ट्रियल वेस्ट आ रहा है या प्रेस मड है या शुगर केन का वेस्ट है वो यूटिलाइज कर रहे हैं सॉइल में, है ना। इस तरह से हम जो लेग्यूम्स क्रॉप में जो है मतलब लेग्यूम्स इन इंटरक्रॉपिंग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, या उसके रेसिड्यूज यूज़ कर रहे हैं जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करेंगे क्योंकि उनमें राइजोबियम बैक्टीरिया रहता है, ठीक। और इस तरह हम ग्रीन मैन्यूरिंग, अजोला बीजीए, जो ब्लू ग्रीन एल्गी है, सस्टेनेबल ग्रीन प्रोडक्शन, ये सभी जब हम अपने प्लांट को देंगे तो ये जो ऑल कॉम्बिनेशन है ये हमारा कहलाएगा इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, ठीक। तो ये कॉन्सेप्ट आपका डायग्राम देख के क्लियर हो जाएगा। देन हमारा जो INM है वो डिफर कैसे है हमारी कन्वेंशनल जो फार्मिंग हम कर रहे हैं वो, एक्चुअली में क्या है, इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट डिफर फ्रॉम द कन्वेंशनल न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट इन दैट इट इज़ कंसाइडरेटेड न्यूट्रिएंट फ्रॉम द डिफरेंट सोर्सेज, ठीक, नोटेबली ऑर्गेनिक मटेरियल न्यूट्रिएंट कैरिड ओवर फ्रॉम द प्रीवियस क्रॉपिंग सीजन एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ न्यूट्रिएंट इन द सॉइल। इन कन्वेंशनल फार्मिंग पीपल गिव मोर इम्फेसिस ऑन ग्रेन यील्ड थ्रू यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, ओके। सो ये चीज़ डिफरेंट है, हम जब INM कर रहे हैं तो हम ये ध्यान रख रहे हैं कि हम फर्टिलिटी मेंटेन करते रहें सॉइल की। सो हम क्या कर रहे हैं, हम ऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स हैं उनका ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, और हमको वो कहाँ से मिल रहे हैं, जब हम प्रीवियस ईयर के जो क्रॉपिंग पैटर्न है या क्रॉपिंग सीजन है उसके जो रेसिड्यूज़ हैं या उनसे जो हमको मतलब ग्रीन मैन्यूरिंग लाइक ये सब ऑर्गेनिक है तो हम उसका यूज़ ज़्यादा कर रहे हैं, बट उसके कंपेरिजन में जो कन्वेंशनल फार्मिंग रहता है उसमें हम फर्टिलिटी पे बिल्कुल भी नहीं ध्यान देते, हमको बस ग्रेन यील्ड से मतलब रहता है। तो हम क्या करते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, हाई यील्डिंग वेराइटीज़ का यूज़ करते हैं, केमिकल पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं विथ इरीगेशन जो फैसिलिटी अगर अवेलेबल रहती है तो। सो इसलिए ये थोड़ा डिफरेंट हो जाता है हमारे INM से। इन INM इट इंटीग्रेट जो कंबाइन द ऑब्जेक्टिव प्रोडक्शन विथ इकोलॉजी एनवायरमेंट दैट इज़ ऑप्टिमम क्रॉप न्यूट्रिशन, जो मैंने अभी पहले बताया था वही चीज़ है ये। तो इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट हैज़ टू बी कंसाइडरेड एज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ एनी सस्टेनेबल एग्रीकल्चर सिस्टम, ओके। सो प्रिंसिपल देख लेते हैं INM का क्या क्या है। सो द बेसिक प्रिंसिपल अंडरलेइंग द INM इज द मेंटेनेंस एंड पॉसिबल इंक्रीज ऑफ सॉइल फर्टिलिटी, ठीक, फॉर सस्टेनिंग इंक्रीज क्रॉप प्रोडक्टिविटी थ्रू द यूज ऑफ ऑल पॉसिबल सोर्सेज ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक प्लांट न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ एंड क्वालिटी इन ऑल इंटीग्रेटेड मैनर्स अप्रोप्राइट टू ईच क्रॉपिंग सिस्टम एंड फार्मिंग सिचुएशन विद इन द गिवन इकोलॉजिकल सोशल एंड इकोनॉमिकल बाउंड्रीज। मतलब प्रिंसिपल बेसिकली पहला प्रिंसिपल तो यही है कि हम मेंटेनेंस करें और हम जितना पॉसिबल हो सकता है सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करें बाय द सस्टेनेबल जो मेथड्स हैं क्रॉप प्रोडक्शन के, मतलब जो भी ऑल पॉसिबल हमारे पास सोर्सेज हैं जैसे कि ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक प्लांट न्यूट्रिएंट, जो कि सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन करने के साथ साथ क्रॉप के ग्रोथ और यील्ड को भी बढ़ावा देते हैं। तो जब इन सबको हम इस वे में यूज़ कर रहे हैं कि सॉइल की फर्टिलिटी लॉस नहीं करते हुए हम इनको एक ऐसे इंटीग्रेटेड कॉम्बिनेशन फॉर्म में यूज़ करते हैं हमारे क्रॉपिंग सिस्टम में या फार्मिंग सिचुएशंस में, ठीक है, विथ हम उसको क्या कर रहे हैं, बैलेंस बना रहे हैं हमारे इन्वायरमेंटल या इकोलॉजिकल कंडीशंस के साथ। एंड इसके अलावा अटेम्प्ट हैव बीन इन अवर कंट्री टू कॉम्प्लीमेंट द यूज़ ऑफ मिनरल विद ऑर्गेनिक सोर्सेज ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट जनरेटेड यूजफुल थ्रू द इंफॉर्मेशन ऑन द कम्प्लीमेंट्री एंड सिनर्जिस्टिक इफेक्ट ऑफ दिस मटेरियल ऑन द यील्ड क्रॉप बिकॉज ऑर्गेनिक सोर्स ऑफ नाइट्रोजन आर ऑल्सो इम्प्रूविंग सॉइल स्ट्रक्चर एंड सॉइल बायोएक्टिविटी which are not directly improved by mineral source of N. The productivity of crop of each kilogram of nitrogen may be better with organic sources than the sources of N. मतलब कि हमें जो जो हमारी कंट्री में हम जो मिनरल्स का यूज़ कर रहे हैं उसके कंपेरिजन में अगर हम ऑर्गेनिक सोर्सेज का यूज़ करते हैं सो वो क्या करेगा, जो सिनर्जिस्टिक इफेक्ट है ना उस मटेरियल का क्रॉप यील्ड पे वो तो कम रहेगा ही रहेगा, साथ ही साथ जो ऑर्गेनिक रिसोर्सेज रहते हैं नाइट्रोजन के वो सॉइल के स्ट्रक्चर और जो बायोएक्टिविटी रहती है सॉइल के उसको भी इंक्रीज कर रहे हैं और उसका कोई एडवर्स इफेक्ट हमारे सॉइल पे नहीं पड़ रहा है। सो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि ऑर्गेनिक फॉर्म जो रहेगा वो हर वे से हमारे क्रॉप के लिए फ़ायदेमंद है और सॉइल के लिए भी फ़ायदेमंद है। अगर आप इसको सिंपल में समझिएगा तो ये यही चीज़ें हैं जो यहाँ पे बोलने चाह रहे हैं, ठीक। सो इसके अलावा कुछ जो प्रिंसिपल्स हैं
वो इस तरह से है कि इफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ आईएनएम इज द बैलेंस एंड इफेक्टिव यूज ऑफ वेरियस सोर्सेज ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट देन द स्ट्रेटजी शुड बी मोबिलाइजेशन ऑफ ऑल अवेलेबल या एसेसिबल एंड अफोर्डेबल प्लांट न्यूट्रिएंट सोर्सेज इन ऑर्डर टू ऑप्टिमाइज द एनवायरमेंटली सेफ प्रोडक्टिविटी ऑफ होल क्रॉपिंग सिस्टम टू इंक्रीज द मॉनिटरी रिटर्न टू द फार्मर. मीन्स ये जो ऑब्जेक्टिव अगर आईएनएम का ये है कि हम बैलेंस एंड इफेक्टिव यूज़ कर रहे हैं डिफरेंट जो प्लांट न्यूट्रिएंट के रिसोर्सेज हैं इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक एंड कैपिक जो केमिकल है, और हमारी देन जो स्ट्रेटजी ये है मतलब ये होनी चाहिए कि हम जितने भी हमारे पास अवेलेबल या अफोर्डेबल प्लांट न्यूट्रिएंट सोर्सेज हैं उसका क्या करें मोबिलाइजेशन करना चाहिए. इस ऑर्डर में करना चाहिए कि हम इन्वायरमेंटल को सेफ रखते हुए हमारी प्रोडक्टिविटी को भी इंक्रीज करें पूरे जो क्रॉपिंग सिस्टम है, और इस जो हमारी पूरे क्रॉपिंग सिस्टम की अगर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है तो जो प्लांट को मतलब अपने क्रॉप के बदले में ज़्यादा जो इकोनॉमिकल जो फ़ायदा है या फिर मॉनिटरी जो रिटर्न है वो ज़्यादा अच्छा प्राप्त होगा. सो दे आर द बे मतलब बेसिक जो प्रिंसिपल हैं वो है आईएनएम के. ये हम मैंने बताया कि आईएनएम जो इम्पोर्टेंट जो कॉन्सेप्ट था उसका डेफिनेशन एंड वो कन्वेंशनल फार्मिंग से कैसे डिफर करता है उसका एक लाइफ साइकिल एंड जो उसके प्रिंसिपल से. आई थिंक 10 नंबर क्वेश्चन में इससे ज़्यादा लिखने की नीड नहीं है. फिर भी अगर आपको लगता है तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं इससे ज़्यादा मेटर भी आपको प्रोवाइड कर दूंगी. आज के वीडियो में इतना ही. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.